हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर फिर से हम मैथ्स का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें हम सब जितने भी सीजी व्यापम में अभी तक त्रिभुज और वृत्त पर आधारित जो पुराने वर्ष के प्रश्न हैं उन सभी का प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कि पेन और पेपर का जितना कम हो सके यूज़ करेंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे फटाफट, ठीक है, ताकि कम से कम समय में हम प्रश्नों को हल करके अपना जो समय है बचाएंगे और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो ये जो चैप्टर है, इससे पहले भी मैं दो वीडियो, मतलब ये जो टॉपिक है एक्चुअली मैं ट्रिग्नोमेट्री कह लीजिए या फिर कह लीजिए जियोमेट्री हो गया, इन सभी पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज मैं बना चुका हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को विजिट करें, जाके प्लेलिस्ट को देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो के अंदर हम त्रिभुज और वृत्त पर आधारित महत्वपूर्ण पुराने वर्षों के एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये जो है हॉस्टल वार्डन का, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस का जो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबको मैं पहले कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियोज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले सारे एग्जाम के लिए, जहाँ पे आप सीजी व्यापम या सीजीपीएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इवन आरआई पटवारी जो भविष्य में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, हॉस्टल वार्डन तो चल ही रहा है, पुलिस कांस्टेबल, और आज पुलिस की भी भर्ती आएगी, ऐसा तो मैं पेपर में कटआउट देखा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करना है कि वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार ट्राई करना है, और जितने भी मैंने यहाँ पर प्रश्न कराया है उसको आप किस तरीके सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम समय में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, और टोटल में से आपका कितना सही हुआ, सब कुछ आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके लिए स्क्रीन पे ये है कि निम्न दिए गए चित्रों में ओ, ठीक है, दिए गए चित्र में ओ दो जीवाओं ए बी और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु इस प्रकार है कि ओ बी बराबर ओ डी है, ठीक है। साथ ही साथ एंगल AOC 45 डिग्री दिया है, तो बताइए कि त्रिभुज AOC और OCD क्या है। आप देख रहे होंगे ये हमारा पॉइंट O है, ये पॉइंट O जो है AB एक जीवा और CD एक जीवा है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉइंट O है, ठीक है। और यहाँ पे दो त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है, AOC और दूसरा है BOD। ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को पहले आप देख लें, समबाहु, समरूप, समबाहु लेकिन समरूप नहीं है। समरूप आई थिंक आप सब जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज पढ़े होंगे तो हमको दो चीज समझ में आता है, एक होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, एक होता है सिमिलर, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, सिमिलर को ही एक्चुअली में हिंदी में समरूप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समरूप कैसे प्रूफ करेंगे मैं बताऊंगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो समरूप हमको देखने से पहले हमको ये पता करना होगा कि बाकी एंगल्स कितने हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज के बाकी एंगल्स को भी अगर हम निकाल लें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए हो सकता है थोड़ा सा पेन पेपर का यूज करना पड़े, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देख के ही आंसर बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें OB इक्वल्स टू OD बोला है, मतलब देखिए ये OB हो गया और ये OD हो गया, दोनों के दोनों क्या है आपस में बराबर दिया है। अगर ये दोनों बराबर दिया है मतलब ये जो त्रिभुज BOD है वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर कह लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है। अब देखते हैं आगे, देखिए ये वाला हमको पता है कि रेखा और कोण में मैं पढ़ाया हूँ कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, मतलब अगर ये 45 है तो आपको ये भी 45 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है, ये पहला चीज। अब देखिए इधर वाला ट्रायंगल BOD एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो साइड्स BO और OD आपस में बराबर दिया है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाओं के आमने सामने का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इस पूरे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है 180 होगा, 180 में से ये वाला कोण अकेले का 45 है तो बाकी दोनों कोण जो है कितना बचेगा, तो आप 180 डिग्री में आप 45 डिग्री को आप घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 135 डिग्री, मतलब ये 135 डिग्री का जो कोण मिला उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर मिल गया। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, 135 का आधा आधा, तो 135 का अगर आप आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 67.5, मतलब ये वाला कोण
आपको 67.5 डिग्री और यहाँ से ये वाला कोण भी 67.5 डिग्री मिला। उम्मीद है समझ में आया होगा कि ये दोनों क्यों हुआ, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब समरूप प्रूफ करने से पहले इधर वाले ट्रायंगल की ओर हम इधर बढ़ते हैं कि इसको क्या किया जाए। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, एक वृत्त है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस वृत्त में ये बीसी को अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा बीसी रेखा मिल रहा है, इस रेखा के एक ही साइड अगर वृत्त पर दो कोण बन रहे हैं, तो जैसे ये वाला कोण आप देख रहे हैं 67.5 है, यहां पर कोण, ठीक है, इसी जीवा से बना हुआ वृत्त के, मतलब इस जीवा के एक ही साइड जितने भी कोण बन रहे हैं इसको आधार लेके, वो सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक जीवा है, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी है, तो इस ए बी जीवा से जितना भी एक ही साइड, यहाँ से ये जो कोण बनेगा, मान लो इसी आधार पर ये वाला भी कोण बना, ये और ये मान लो और भी बना दिया, इसी आधार पर ये भी एक कोण बना दिया, तो ये सभी के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ये 67.5 मिला, तो ये वाला कोण भी आपको कितना मिलेगा, ये भी 67.5 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों त्रिभुज में हमको ये पता चल गया कि ये और ये 45 है, ये 67.5 है और ये भी 67.5 है। तो अगर किसी दो त्रिभुज में, ठीक है, इसको समझिएगा आप, समरूप मैं इसको सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ कि अगर किसी भी दो त्रिभुज में अगर कम से कम दो कोण आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप त्रिभुज, या फिर इसी को कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, याद कर रखिएगा। तो देखिए ये वाला त्रिभुज हमारा AOC एंड त्रिभुज BOD, ये दोनों में एटलीस्ट दो कोण आपस में बराबर हो गया, 45-45, 67.5 और 67.5, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, तो समरूप तो प्रूफ कर दिया, साथ ही साथ समद्विबाहु भी होगा। क्यों? क्योंकि ये 45 था, ये देखिए ये दोनों बराबर है, अगर ये भी 45 हो गया, ये 67.5 है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला भी अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग लगाएंगे, तो ये वाला भी आपको 67.5 डिग्री ही मिलेगा। इस प्रकार ये दोनों के दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और साथ ही साथ समरूप त्रिभुज है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पेन पेपर यहाँ पे यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं था, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, ठीक है, कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, अगर ये सब आपको पता हो और ये वृत्त वाला थ्योरम अगर आपको पता होता, ठीक है, कि एक जीवा के एक ही ओर त्रिभुज वृत्त के ऊपर बना कोण क्या होते, सभी कोण आपस में बराबर होते, जो कि मैं यहाँ पे समझाया भी, और जो सर्कल वाला जो चैप्टर है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के लिए ये, ठीक है, इसको पढ़िए और वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये पटवारी 2016 में पूछा गया है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, उसको हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी भुजा ए है। ठीक है, मतलब ये ABC और AC, ये सभी की सभी भुजाएं कितनी है, ए है। ठीक है, इसकी भुजाओं को AA रखा गया है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है, यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर में एक वृत्त बना हुआ जिसकी त्रिज्या आर है, त्रिभुज के भीतर एक अंकित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये वाला वृत्त का मैं सेंटर ले लेता हूँ। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन किए, यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन किए और यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, ये सभी के सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है आर हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, आर ही हमको निकालना है यहाँ पे। ऑप्शन से तो यही पता चल रहा है कि जो अंतःवृत्त है, इन सर्कल है, उसका त्रिज्या आपसे पूछा गया है कि उसका त्रिज्या रेडियस कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे निकाला जाएगा, और ये जो हमारा त्रिभुज है ABC, उसका जो भुजाएं कितनी कितनी दी गई है, ए बी ए है, ये भी ए है, ए भी है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई वृत्त के सॉरी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है, इन सर्कल है, अंतःवृत्त है, तो उस अंतःवृत्त के त्रिज्या का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल बाय एस। ये ट्रायंगल क्या है, इस त्रिभुज का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और नीचे जो एस लिखा है, ठीक है, एसी को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर, एस से लिखा जाता है। ठीक है, एरिया
एरिया किसका, इस त्रिभुज का एरिया, और एस क्या है, इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप और एरिया कैसे निकालेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। अब देखिए, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा हमको ए दिया है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ए स्क्वायर होता है। तो ये हमारा एक एरिया, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। बात आता है कि अब अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाए, तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, तीन भुजा है ए प्लस ए प्लस ए, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप हो जाएगा, और अर्ध बोला है तो दो से भाग दे दीजिए, मतलब अर्ध परिमाप मिलेगा 3a/2। बस इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे आप रख दीजिए, काम बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और नीचे में अर्ध परिमाप कितना हो गया, 3a/2। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे a दो बार है, यहाँ पर a एक बार है, तो ये एक बार कट गया, ऊपर में बस a बचा है, ठीक है, ये दो है और यहाँ पे दो दूनी चार कट गया, मतलब ऊपर में क्या बच गया हमारे पास, रूट 3a, ठीक है, ये a ऊपर के साथ ही चला जाएगा, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये रूट 3a/2 ये ऊपर में बचा है, और नीचे में बच गया है क्या, तीन बच गया है, ठीक है। अब ये दो क्या होगा, तीन के साथ इधर आके गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 3/6a, ठीक है, या फिर कह लीजिए रूट 3a/6, ये हमको ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि अर्ध परिमाप क्या होता है, कैसे निकाल लिए वो, साथ ही साथ त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और जो अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त है तो उसका त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा उसका अर्ध परिमाप, ये आपको याद रखना है, ये बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट ऑफ एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है पूछा जा चुका है RFOI 2018 में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न है कि बिंदु O त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, देख रहे हैं ABC का अंतः केंद्र ये O है, ठीक है, एंगल A 30 डिग्री दिया हुआ है, ये देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल BOC का मान क्या होगा, BOC देखिए कहाँ पे, BOC इस एंगल की बात आपसे पूछा गया है कि ये एंगल कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने का आप लॉन्ग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन हो कि एक त्रिभुज के अंदर एक अंतर एक अंदर सॉरी एक त्रिभुज के अंदर एक अंतः केंद्र दिया हो, उसका एक शीर्ष कोण जो है वो अगर आपको दिया हो, और केंद्र पर बना हुआ अगर कोण आपसे अगर पूछ ले अंतः केंद्र पर, तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा एंगल BOC इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री बटा जो शीर्ष में कोण होगा ना, उस कोण का आधा करके अगर आप 90 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री प्लस ऊपर में कितना है 30, ठीक है, तो 30 का आधा कितना होता है 15, मतलब 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री आपको 105 डिग्री का आंसर दे देगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आएगा। तो जब भी केंद्र के अंदर का ये पूछा होगा, ठीक है, मतलब इस वृत्त सॉरी त्रिभुज के अंदर का ये वाला कोण अगर आप पूछेगा, इसके बाद एक और इसी टाइप का प्रश्न बनता है उसको मैं बताने वाला हूं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, 90 में ये जो शीर्ष कोण इसके ऊपर का दिया होगा उसका आधा करके जोड़ देंगे तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। क्या लगता है आपको ये करने की जरूरत है, नहीं, 90 ये था और 30 का आधा 15, 90 15 105 होता है, हमारा आंसर राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी बिल्कुल सेम है, कैसे करेंगे देखिए, त्रिभुज ABC में एंगल A 48 डिग्री, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक त्रिभुज है क्या यहाँ पे, ठीक है त्रिभुज, चलिए ड्रॉ कर देता हूँ एक त्रिभुज हमारा, ये हमारा त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है, त्रिभुज ABC का ये वाला कोण कितना हो गया, 48 डिग्री हो गया। एंगल B और एंगल C का समद्विभाजक I पर मिलता है, देखिए समद्विभाजक मतलब इस कोण का और ये कोण का समद्विभाजक, तो इसका समद्विभाजक ये खींचा मतलब ये और इसको बराबर में बांटता है, इसका समद्विभाजक खींचा तो ये और ये आपस में बराबर है, और इस पॉइंट पे मान लो काट रहा है, ये पॉइंट आई है, ठीक है, ये दोनों कोणों का समद्विभाजक इस आई पे काट रहा है, आपसे पूछा है कि BIC का मान क्या होगा, तो प्रश्न उसी तरह है, वहां पे अंतः केंद्र दे दिया था, केंद्र पर मिलाया था, लेकिन यहाँ पे समद्विभाजक भी यहाँ पे मिला दिया, तो इस प्रश्न को भी वैसे ही सॉल्व करना है कि एंगल BIC कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये, मतलब ऊपर में जो एंगल दिया रहेगा शीर्ष कोण का, उसको आपको क्या करना है,
दो से भाग करके जोड़ देना है, तो 48 का आधा हो जाएगा कितना 24, 90 डिग्री प्लस 24 डिग्री हो जाएगा 114 डिग्री, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी बनेगा तो आपको एकदम झटके में एक सेकंड में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि 90 में ऊपर वाले कोण के आधा करके जोड़ देना है। इसी में एक ऐसा प्रश्न भी आगे मैं बताऊंगा कि ये वाला कोण दिया है आपसे, ये पूछ लेगा, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, यही फॉर्मूला यूज होगा। चार प्रश्न हो गया, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है, पांचवा प्रश्न भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि बोला है कि त्रिभुज PQR में ओ समद्विभाजक एंगल P और एंगल R का प्रतिच्छेद बिंदु है, वेरी गुड। अब एंगल QOP इज इक्वल टू 117 डिग्री, तो ORP कितना होगा आपसे ये पूछा गया, ठीक है। चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक त्रिभुज मैं ड्रॉ किया, ठीक है, त्रिभुज क्या है PQR, PQR इस त्रिभुज को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका एंगल P और R का समद्विभाजक, इसका भी हम खींचते हैं, P और R का समद्विभाजक आपसे पूछा गया है, तो P ये है, इसका समद्विभाजक खींचा, और R ये है, तो R का समद्विभाजक खींचा, कहाँ पे मिल रहा है भाई, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ये O है, ठीक है, ये दोनों समद्विभाजक मतलब ये और ये कोण बराबर, इधर से मान लेते हैं ये और ये कोण बराबर, क्योंकि ये समद्विभाजक है ना भाई, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, O पर मिल रहे हैं। अब बोला है कि एंगल QOP 117 डिग्री, देखिए QOP कहाँ है, तो क्यू ओ और पी, क्यू ओ पी 117 डिग्री है, ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है, क्यू ओ पी 117, क्यू ओ पी 117 मतलब यहां से हम क्या करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, क्यू ओ पी 117 मतलब ये वाला कोण जो है ये कितना दे दिया हमको, 117 डिग्री का कोण दिया हुआ ये, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा ये वाला कोण, ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कैसे निकाला जाएगा, देखिए अगर ये हमको दिया हो 117, तो हमने इधर से ये ज्वाइन किया, तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो, एक तरह का समद्विभाजक ही होगा, ठीक है, चलिए तो वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है क्या, कि जैसे ये हमने क्या किया, बस यहां से ये ड्रॉ कर दिया, मतलब कहने का कि एंगल क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कैसे निकालते भाई, तो हम क्या करते हैं 90 डिग्री प्लस ये जो एंगल आर है इसका हाफ करके जोड़ देते भाई, ठीक है, एंगल आर का हाफ करके 90 में जोड़ते तभी तो ये 117 मिलता ना, क्योंकि अभी तो मैं बताया, इसको जस्ट अगर ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये वाला पार्ट हमको 117 दिया है, ठीक है, हमको ये वाला पूछा है ओ आर पी, ओ आर पी ये पूछा है, ये एंगल आर ये पूरा है हमारा जो कि आर बाई टू, और ये वाला लाइन जो है समद्विभाजक है, मतलब ये और आर बराबर होगा, मतलब आर का आधा कर देंगे तो हमको ये आर ओ पी या फिर ओ आर पी मिल जाएगा, सॉरी ओ आर पी ये वाला मिल जाएगा, बस यही मेरे रख देना है। तो ये पी ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 117 दिया है, इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल आर बाई टू, एंगल आर बाई टू, एंगल आर बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल आर बाई टू इक्वल्स टू 117 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हमारा मिल जाएगा कितना 27 डिग्री आंसर, यही आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमसे पूरा एंगल आर नहीं पूछा है, ये पूरा एंगल आर होता लेकिन हमसे पूछा है क्या ओ आर पी, ये वाले पार्ट को पूछा है, और ये पार्ट क्या होगा, इस पूरे एंगल का आधा होगा, तो हम केवल आर बाई टू इसी चीज को अगर निकाल देंगे तो आर बाई टू ही क्या है हमारा एंगल ओ आर पी ही है, ठीक है, सेम ही चीज है, तो हमको ज्यादा कुछ करना है नहीं, 27 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 54 गलती से मत मार देना, अगर 54 मारोगे तो ये पूरा एंगल आपको 54 डिग्री का मिल जाएगा, लेकिन हमको तो बस यही पूछा है ओ आर पी, तो 54 का आधा 27 मारेंगे, ये वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो में से मैं एक बताऊंगा, दूसरा आपको खुद सॉल्व करके कॉमेंट करना है। प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी आपसे पूछा गया, और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, थ्योरी में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, थ्योरी अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। तो इसके लिए हमको एक वृत्त ड्रॉ करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल में वृत्त की एक त्रिज्या, त्रिज्या हमको कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और एक जीवा 14 सेंटीमीटर, एक काम करता हूँ मैं एक जीवा ड्रॉ कर दिया, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीवा है, एक कॉर्ड हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ए बी एक जीवा हो गया, सेंटर इस वृत्त का केंद्र मान लो ये केंद्र है, ठीक है,
केंद्र से ये वाले बिंदु को और यहाँ से ये वाले बिंदु को ड्रॉ करते हैं, इसका केंद्र O मान लिया, ठीक है। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये पूरा वृत्त, सॉरी ये वृत्त की जीवा AB कितना दिया हमको, 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है ना 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्या कि ये जो जीवा है और वृत्त का केंद्र, इसके बीच की दूरी कितना होगा, ये दूरी आपसे पूछा गया है। इस पॉइंट को मैं M लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपसे OM पूछा गया है कि OM की लंबाई कितनी होगी, यही जो है केंद्र और जीवा के बीच की दूरी कहलाएगा। अब इसको समझिएगा, जब भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है, क्योंकि वो लंब ही ऐसा होगा जो इसको समद्विभाजित करने का काम करेगा, ठीक है। तो किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ से एक लंब रेखा OM अगर इस AB के ऊपर खींचा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया, मतलब AB जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो गया AM और MB के रूप में, और दोनों के दोनों आपस में बराबर, AM बराबर MB हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल AB अगर 14 सेंटीमीटर था तो AM और AB कितना कितना क्या हो जाएगा भाई, 7-7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से OM का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको अलग से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा O हो गया, ये हमारा M हो गया और ये M हो गया, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम बस लगा देना है, हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमको 9 दे दिया, ये हमारा 7 दे दिया, ये हम निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम सब बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब OM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AM के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, OA कितना है 9, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OM हमको निकालना है, OM स्क्वायर प्लस AM हमको दे दिया 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 7 का स्क्वायर उधर ले जाके घटा दीजिए 49, बराबर इधर हो गया OM स्क्वायर, 81 में 49 घटाएंगे तो 11 में से 9 गया तो मिल गया 2, और बच गया 7 में 4 गए 3 इक्वल्स टू OM स्क्वायर। OM स्क्वायर बराबर कितना मिल गया हमको 32, हमको OM निकालना है तो OM कितना निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 32 का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 6×36 ज़्यादा हो जाएगा, ये 5×25 5 समथिंग वाला आएगा, तो 5.66 सेंटीमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है कि कैसे करना होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ही बनता है। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि केंद्र से जीवा के ऊपर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, और जो लंब है वही जीवा और केंद्र के बीच की दूरी होती है। बस इतना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो जो नीचे वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला, इसको आप सॉल्व करके कॉमेंट करिएगा। चलिए सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न भी बहुत आसान है, कि क्वेश्चन क्या है समझिएगा, कि एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है, ठीक है भाई, यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो तो जीवा की लंबाई कितनी होगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, पहले एक मैं वृत्त बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वृत्त बना दिया। अब बोला कि एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाता है, तो मैं एक जीवा बना दिया, ये हमारा जीवा हो गया, ठीक है, ये हमारा एक जीवा हो गया, मान लो ए बी केंद्र पर समकोण बनाता है, ये केंद्र हो गया हमारा मान लो, ठीक है, और ये दोनों त्रिज्याओं को मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको मैं ओ ले लिया। केंद्र पर समकोण बना रहा है मतलब ये वाला कोण जो है हमारा टोटल कितने का हो गया, 90 अंश का कोण हो गया, ठीक है। चलिए त्रिज्या तो दोनों बराबर ही होगा क्योंकि त्रिज्या को आर लिया है, तो मैं यहाँ पे आर और ये भी आर ले लेंगे। इस जीवा की लंबाई आपसे पूछा है कि कितना होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया ना भाई, क्योंकि केंद्र पर अगर समकोण बना दिया, 90 अंश का कोण बना दिया, तो ये पूरा इसमें पाइथागोरस लगा के काम खत्म करो। तो ये देखिए 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा ए बी, ठीक है, तो हमको पाइथागोरस लगाना है तो आसान हो जाएगा ना, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर आधार, मान लो ये OA है, ठीक है, OA आधार स्क्वायर प्लस लंब हो गया OB, तो OB स्क्वायर, ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OA भी कितना है R है, ये भी क्या है R है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिला 2R स्क्वायर, AB स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 2R स्क्वायर, तो AB कितना हो जाएगा भाई 2R स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है।
अब वर्गमूल निकालेंगे तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर और रूट टू का वर्गमूल टू ही रहेगा। आर रूट टू ऑप्शन में होगा या फिर इसी को रूट ओवर टू इंटू आर ये भी लिखा जा सकता है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, बस समकोण का यहाँ पे खेला था, उतना अगर आया होगा तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपका भी ये सही ही हुआ होगा। चलिए नौवां आठवां प्रश्न देखिए, सभी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पेन पेपर की जरूरत पड़ रहा है, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत था ही नहीं, क्योंकि हमको पता है ये समकोण अगर बना, अगर ये और ये आर मिला तो ये दोनों आर स्क्वायर हो प्लस आर स्क्वायर जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो एक कर्ण आसानी से निकल जाता, इसीलिए टाइम लगता ही नहीं। आठवां प्रश्न है कि दिए गए चित्र में एक्स की गणना करें। देखिए यहाँ पर इस वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों जीवाएं जो है इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी से डी तक की दूरी एक्स है, इस एक्स की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ पहले, कैसे सॉल्व करना है इसको वो समझिएगा। जब भी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों जीवाओं का के बीच क्या रिलेशन होता है उस चीज को समझिएगा। ठीक है, क्या रिलेशन है उस चीज को समझिएगा। जैसे इस वाले जीवा है तो यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों जीवा का पॉइंट पी है ना, तो पी डी इंटू पी सी, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का गुणा करिएगा, पी डी इंटू पी सी, इन दोनों का गुणा बराबर, इधर से देखेंगे तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला आपको बस याद भी नहीं रखना है, तो बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा। एक्चुअली मैं ये सब ना सिमिलर प्रूफ करके किया जाता है, तो उतना ज़्यादा मैं प्रूफ करके नहीं बता रहा हूँ, बस डायरेक्ट याद रखिएगा कि वृत्त के अंदर ही अगर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका जो दो पॉइंट्स है ना, दो जो लाइंस जो स्प्लिट होकर बन रहा, उनका गुणा आपस में बराबर होता है, मतलब पी डी इंटू पी सी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पी डी कितना है, एक्स है जो कि हमको कैलकुलेट करना है, इंटू पी सी, पी से लेके सी तक देखिए कितना दिया है, पाँच दिया है, तो ये हो जाएगा पाँच, बराबर पी ए कितना है दिया है चार, इंटू पी बी कितना दिया हुआ है छः, बस इसको आपको सॉल्व करना है, हमारा काम बन जाएगा। तो छः चौके चौबीस और पाँच नीचे आ जाएगा, चौबीस बटा पाँच भाग देंगे तो 4.8 आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। ठीक है, तो इतना सारे प्रश्नों में तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सी ही आ रहा है, आंसर सी ही आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जब अगर एग्जाम दे रहे हैं तो, क्या पता अगर ज़्यादा सी आ रहा होगा, कुछ नहीं बन रहा हो, तुक्का मार रहे हो तो सी लगा दीजिएगा, हालांकि तुक्का मारने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न भी उसी पर आधारित है और ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, VIAD 2022 में पूछा गया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, उसी पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये वृत्त की एक जीवा ए बी जो है ना उसको बाहर तक खींचा गया, ठीक है, टी तक चला गया, और यहाँ पे ये जो है स्पर्श रेखा पी टी है, ये दोनों बाहर में, वृत्त के बाहर में दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिल रही हैं टी के ऊपर। अब ए टी दिया हुआ है कितना, 16, ए से लेके पूरा टी तक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है ए से लेके बी तक 12 सेंटीमीटर दिया है, आपसे टी पी का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, अगर अंदर होता तो देखिए करना ये है, यहाँ इस तरह का फॉर्मूला क्या याद रखना है कि ये टी पी आपसे पूछा है तो टी पी इंटू टी पी कर दीजिएगा दो बार, ठीक है, टी पी इंटू टी पी कर दीजिएगा दो बार, साथ ही साथ ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है टी से लेके बी तक टी बी इंटू टी से लेके ए तक पूरा यहाँ तक, ये छोटा वाला पार्ट और ये पूरा बड़ा वाला पार्ट, इन दोनों का गुणा करिएगा। ठीक है, ये टी पी इंटू टी पी इक्वल्स टू ये टी बी इंटू टी ए, ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, काम बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, तो क्योंकि 2-4-10 क्वेश्चन अगर करेंगे इसको ध्यान में रखें, ये सभी प्रश्नों को तो मैं क्या करता था कि जो मेरा स्टडी टेबल होता था उसके सामने ऐसे बना के और फॉर्मूला टाइप से लिख के चिपका देता था, जब भी बैठता था तो एक नज़र जाते ही हमेशा के लिए याद हो गया था। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं। तो टी पी हमको निकालना है, तो टी पी दो बार है तो स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू टी बी हमको दिया हुआ है कितना, टी बी हालांकि नहीं दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे देखिए, टी ए यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये कितना बच गया, चार ही बचा ना भाई। ठीक है, निकालना क्या है देखिए, ए बी हमको दिया हुआ है, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, ये ए बी दिया हुआ है हमको कितना, 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके ये 12 सेंटीमीटर दिया, और ए टी
ए से लेकर टी, ये 16 सेंटीमीटर है। तो ये टी भी हम कैसे निकालेंगे, 16 में से 12 घटा दीजिए, टी भी हमको 4 सेंटीमीटर देगा। तो 4 इंटू टी ए हमको कितना दिया है, 16। बस सॉल्व कर दीजिए, तो 16 चौके 64, टी पी स्क्वायर हो गया 64 सेंटीमीटर। तो टी पी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, और 64 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के प्रश्नों को आपको याद रखना, इसमें प्रश्न बनते हैं तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे 10वां प्रश्न। तो आज की वीडियो के लिए आखिरी 10वां प्रश्न जो है आपके लिए ये है कि एक वर्ग वृत्त के भीतर अंकित या फिर इंस्क्राइब है किया गया है, यदि वर्ग की भुजा ए हो तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न भी है और अच्छा प्रश्न भी है, इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक ड्रॉ कर देते हैं, इसके लिए एक वृत्त बना दिया मैं। ठीक है, वृत्त बना दिया, वृत्त बनाने के बाद इसके अंदर एक वर्ग भी है। ठीक है, तो चलिए एक वर्ग बना देते हैं, चलिए एक वर्ग बना दिया हमने। ठीक है, वृत्त है, वृत्त के अंदर हमने क्या, भीतर एक वर्ग बना दिया। ठीक है, आपसे पूछा है कि अगर वर्ग की भुजा ए है, ये वर्ग की भुजा ए है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या पूछा है, वृत्त का केंद्र ये वाला मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहां से लेके इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो देखिए ये वृत्त को वृत्त से मिला रहा है, तो ये वाला रेखा क्या होता है, डायमीटर या हिंदी में कहते हैं व्यास, ये हो गया। और व्यास का जो आधा होता है, ठीक है, व्यास का जो आधा होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और यहां पे जो व्यास हमको दिख रहा है, ये व्यास क्या है, इस वर्ग में अगर इस वाले पार्ट को देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज है, इस वाले पार्ट को भी देखो तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जो इस वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वो क्या होगा, अंदर में जो समकोण बन रहा है उसका कर्ण हो जाएगा। और कर्ण का फॉर्मूला पता है हमको कि ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल कर दीजिए तो हमारा कर्ण मिल जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, 2a स्क्वायर। ठीक है, तो व्यास कितना मिल गया हमको, 2a स्क्वायर का रूट, वर्गमूल अगर हटाएंगे तो आपको मिलेगा रूट 2 into a, ये हमको व्यास मिल गया। अगर ये व्यास मिल गया तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, d/2। ठीक है, रूट 2a/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट 2a है, 2 को रूट 2 into √2 लिखा जा सकता है, ये 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया क्या, a/√2, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया इसके लिए। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था, ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि हमको डायरेक्ट ये पता होता है, इसका स्क्वायर करके रूट निकाल देंगे तो एक कर्ण मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। क्या इतना हमको करने की जरूरत था, नहीं था जरूरत, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये वाला चीज तो हमको ऑटोमेटिक ही याद रहता है कि यहाँ पे जो कुछ रहा उसका रूट निकाल के और ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे से प्रश्न है। तो ये 10 अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराया, इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा जल्द ही, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। 10 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, बीच में एक क्वेश्चन जो मैं छोड़ा उसका भी सॉल्यूशन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ हम इंग्लिश का भी वीडियो ला रहे हैं, साथ साथ आपको हॉस्टल वार्डन के लिए GS ला रहे हैं, कंप्यूटर ला रहे हैं, सारे तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियोस को देखिए, आपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि आपके लिए समय बहुत कम मिलने वाला है, जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।